पहले हम क्लोथ्स की हिस्ट्री के बारे में कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं हम अर्ली ह्यूमंस की। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए लीव्स की या ट्री बार्क्स की या फिर एनिमल स्किन का यूज़ करते थे बॉडी को कवर करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जो वीविंग की आर्ट है वो उन्होंने लर्न कर ली और क्लोथ्स वीव करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब क्लोथ्स हम पहनते क्यों हैं, क्योंकि क्लोथ्स हमें क्या करते हैं, जंग से, कोल्ड से, हीट से और बाकी मतलब डिफरेंट क्लाइमेट्स में क्या करते हैं, हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन वियर करते हैं, यानी कि क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जिस तरीके का क्लाइमेट है वह उसी टाइप के हम क्लोथ्स वियर करते हैं। आप मान लीजिए समर्स में हम लाइट कलर्स यूज करते हैं, लाइट कलर के यूज करते हैं कि एक तो मेनली कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं कि एयर को ईजिली सर्कुलेट होने देते हैं। और जो लाइट कलर्स है जैसे व्हाइट कलर हो गया, व्हाइट कलर क्या करता है कि हीट एब्जॉर्ब कम करता है, यानी वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है हीट को, तो वो इस तरीके से हम हीट से बच जाते हैं। लेकिन विंटर्स में हम क्या करते हैं, विंटर्स में हम डार्क कलर्स के क्लोथ वेयर करते हैं, जिसमें ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर है हीट का और वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और कोल्ड्स में यानी विंटर्स में हमें चाहिए क्या, हीट चाहिए, इस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और समर्स में रिमूव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें वूल
टू लेंथ की ये लॉन्ग फाइबर्स होंगे या शॉर्ट होंगे, कोर्स रूल को अलग कर लेंगे, सॉफ्ट रूल को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी और अकॉर्डिंग टू लेंथ की हम शॉर्टनिंग करेंगे। उसके बाद रिमूवमेंट बर्स, कई बार आप देखा होगा आपने इस बार सर्विस वगैरह भी अगर करते तो उनके ऊपर हल्के हल्के बर्स आते हैं, सॉफ्ट फ्लफी टाइप का जो हमारा फाइबर्स है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे में ये जो हमें ओरिजिनली जो फूल मिलते हैं वो दो कलर की होगी हमारी, एक व्हाइट और एक क्रीमी व्हाइट फूल, सब बट कुछ गोर से हमें ब्लैक कलर के फूल भी मिलते हैं, और फिर उनको हम अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर डिफरेंट कलर में डाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होगा, हम जो हमें फूल मिली है उसको यार्न में स्पन कर लेंगे, यानी कि फाइबर से क्या होंगे हमारे यार्न, और यार्न से क्या बनता है हमारा फैब्रिक, ठीक है। इस तरीके से हम वूल ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिल्क और हाउ वी कैन रियर सिल्क फ्रॉम सिल्क।